इस बीच राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सचिन पायलट को टोंक से टिकट मिला है, तो वहीं अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे। सीपी जोशी को नाथद्वारा से टिकट दिया गया। स्क्रीन पर इस वक्त पहली लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन जिसमें सबसे बड़े जो नाम है वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सरदारपुरा से वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सचिन पायलट, उनको टोंक से टिकट मिला है। सीपी जोशी को नाथद्वारा से टिकट दिया गया है। तो जहां पर बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, तो वहीं कांग्रेस ने पहली सूची जारी की है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस सूची को, जिसमें कई दिग्गजों के नाम शुमार हैं, लेकिन सबसे बड़े नाम जो है वो अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सीपी जोशी, तीनों को जो टिकट मिला है। टोंक से सचिन पायलट मैदान में होंगे, तो वहीं सरदारपुरा से अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे और सीपी जोशी को नाथद्वारा से टिकट दिया गया। तो राजस्थान का चुनावी अखाड़ा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी कांग्रेस के लिए हो जाता है क्योंकि हर 5 साल बाद यहां पर सरकार बदलने का दस्तूर सा है। कांग्रेस के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अंदर खाने ही फूट पड़ती हुई साफ तौर पर कांग्रेस को नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक तरफ अशोक गहलोत हैं तो दूसरी तरफ सचिन पायलट है। हालांकि सार्वजनिक मंचों पर दोनों साथ जरूर नजर आते हैं, लेकिन दोनों के बीच की खटास जो है वो भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में क्या उसका असर चुनाव प्रसार प्रसार पर देखने को मिलेगा या नतीजों पर भी देखने को मिल सकता है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी राजस्थान की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 83 प्रत्याशियों की लिस्ट ये है, जिसमें बीजेपी ने वसुंधरा राजे को झालरापाटन से उम्मीदवार बनाया। देखिए, पहली लिस्ट जब सामने आई थी तो बड़ा सवाल लगातार यही था कि वसुंधरा राजे, बड़ा चेहरा, बीजेपी का बड़ा नाम, मुख्यमंत्री वो रह चुकी है, उनका नाम नहीं था, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन जब अब दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से सामने आई है, तो झालरापाटन से टिकट वसुंधरा राजे सिंधिया को दिया गया, जहां से वो चुनावी मैदान में होंगी। हालांकि पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा सक्रिय वो नजर आई नहीं है और वक्त दर वक्त उनकी भूमिका पर सत्ताधारी जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने सवाल उठाए हैं, लेकिन अब जब झालरापाटन से वो मैदान में है तो कितनी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आती हैं और एक बार फिर से क्या उनका वो एक्टिव मोड देखने को मिलता है वो भी जनता देखना चाहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री राजस्थान की वो रह चुकी हैं, एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में जब दूसरी लिस्ट जारी की गई है तो उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम शामिल है। एक बहुत छोटे से